दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां सिर्फ प्रकृति के नियम और राज चलता है। दुनिया भर में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है जो विज्ञान के तरफ से देखा जाए तो असंभव है, फिर भी ये हो रहा है। अब ऐसा क्यों है ये जान पाना बहुत मुश्किल है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य लाए हैं जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे आखिर क्या है इनका रहस्य। आप देख रहे हैं हिंदी YouTube चैनल अनदेखा सच। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। नंबर एक पर है अजमेर शरीफ में हवा में उड़ने वाला पत्थर। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में तो सभी जानते होंगे और इस पर विश्वास भी करते होंगे। अब ऐसे में अगर कोई आपको बता दे ऐसे एक भारी पत्थर के बारे में जिस पर यह गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होता। ऐसा ही एक पत्थर अजमेर शरीफ दरगाह तारागढ़ पहाड़ी के तलहटी में मौजूद है। सैकड़ों सालों से यह पत्थर हवा में 2 इंच ऊपर उठा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि यह पत्थर ना तो हवा में किसी सपोर्ट से लटका है और ना ही नीचे से किसी एक तिनके पर टिका है। इसके बावजूद अपनी जगह पर स्थिर है, ना तो ये अपनी जगह से कहीं हिलता है और ना ही नीचे की ओर गिरता है, वो भी कुछ सेकंड या मिनटों के लिए नहीं। सालों से यह पत्थर जैसे के तैसे अपनी जगह पर टिका है। यह पत्थर यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पत्थर के हवा में टिके होने का राज जानना चाहते हैं, फिर भी कोई राज हाथ नहीं लगा। यहाँ के लोगों के बीच इस पत्थर को लेकर एक पुरानी कहानी काफी प्रचलित है। लोग बताते हैं कि यह पत्थर किसी शख्स के ऊपर गिरने वाला था। उस शख्स ने ख्वाजा साहब को याद किया। इतने में ख्वाजा साहब ने नीचे आते आते इस पत्थर को हवा में ही रोक दिया। लोगों का मानना है कि तब से यह पत्थर हवा में ही रुका हुआ है। नंबर दो पर है जापान का इसिनोहोडेन मेगालिथ। इसिनोहोडेन मेगालिथ भी एक 500 टन वजनी विशाल पत्थर है जो हवा में उड़ रहा है। ये अजीब पत्थर जापान के टाकासागो शहर में मौजूद है। कहा जाता है कि इस पत्थर के अंदर भगवान की आत्मा है जिसके वजह से ये हवा में तैर रहा है। इस पत्थर को अमेनो किसी कहा जाता है जिसका मतलब है स्वर्ग से आने वाला उल्टा हुआ पत्थर। नंबर तीन पर है हैंगिंग टेंपल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में लपक्सी नाम का एक बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में 70 स्तंभ है लेकिन उनमें से एक स्तंभ बहुत रहस्यमय है क्योंकि ये स्तंभ मंदिर के फर्श से जुड़ा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये स्तंभ हवा में तैर रहा है और पूरे मंदिर का भार उठा रहा है। लोग स्तंभ के नीचे कपड़ा डालकर इस बात का सच होने या ना होने का परीक्षा भी करते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस स्तंभ को हिलाने की कोशिश किया था लेकिन थोड़ा हिलने पर ही मंदिर को क्षति पहुंची और उन्होंने और परीक्षा नहीं की। लोग विश्वास करते हैं कि पूरा मंदिर ही इसी हैंगिंग पिलर के बैलेंस पर खड़ी है, इसीलिए लपक्सी मंदिर को हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। नंबर चार पर है बाबा हजरत कमर अली के दरगाह की जादुई पत्थर। क्या आप में है इतनी ताकत कि आप 90 किलो की पत्थर को एक उंगली पर उठा सके? अगर नहीं तो यह चमत्कारी पत्थर दे सकता है आपको इतनी ताकत। दरअसल ये एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ व्यक्ति अपने एक उंगली से पूरे 90 किलो का पत्थर उठा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि यह एक संत द्वारा दिया गया पत्थर है जिसे केवल मस्जिद के प्रांगण में ही उठाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं पुणे में स्थित बाबा हजरत कमर अली के दरगाह की। कहा जाता है कि बाबा हजरत कमर अली की मात्र 18 वर्ष में ही मृत्यु हो गई थी और उनके मरने के बाद उन्हें संत की उपाधि से नवाजा गया था। लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में आज भी संत की अद्भुत शक्तियां मौजूद है जो कि वक्त वक्त पर अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं और शायद इसी का उदाहरण है ये चमत्कारी पत्थर जो कि तकरीबन 90 किलो का है। मान्यता है कि अगर 11 लोग इस पत्थर को हजरत कमर अली के नाम लेकर अपनी तर्जनी उंगली से एक साथ उठाए तो ये आसानी से उठ जाता है, लेकिन 11 में से एक भी व्यक्ति कम है तो इसे नहीं उठाया जा सकता।
यदि इस पत्थर को मस्जिद के प्रांगण से बाहर ले जाकर उठाया जाए तो इससे कितना भी ताकतवर व्यक्ति इसे अपनी जगह से नहीं हिला सकता। नंबर 5 पर है नेचुरल बैलेंसिंग रॉक, चेरापुंजी, मेघालय। मेघालय का चेरापुंजी में एक छोटे से पत्थर पर बहुत बड़ी चट्टान खड़ी है जिसका बैलेंस देखने लायक है। यह पत्थर ऐसे ही सालों से खड़ी है, कोई भी तूफान या भूकंप इस पत्थर का बैलेंस बिगाड़ नहीं पाया। इस पत्थर की तरह पूरी दुनिया में और भी बहुत पत्थर हैं जो सामान्य सहारे से ही खड़े हैं। ऐसे ही कई अनोखे किस्से आपको मिल जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे आखिर क्या है इनका रहस्य। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से ही हमें और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शक कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड्स आप मिस ना करें, और अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।